आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट के बाद केंद्र सरकार ने खाद्य तेल निर्माता कंपनियों को फौरन कीमत कम करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने कंपनियों को एक सप्ताह के अंदर तक 10 रुपए प्रति लीटर कीमत कम करने की हिदायत दी है। इसके साथ सरकार ने ये निर्देश भी जारी किया है कि पूरे देश में एक ब्रांड के खाद्य तेल का अधिकतम खुदरा मूल्य यानी MRP 1 होना चाहिए। वहीं वैश्विक स्तर पर खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट को देखते हुए खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने खाद्य तेल संघों और प्रमुख खाद्य तेल निर्माताओं के साथ बैठक की। बताते खाद्य सचिव ने कहा कि जब खाद्य तेल की MRP में परिवहन और अन्य लागतों को पहले ही शामिल कर लिया जाता है तो MRP में फर्क नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह कीमतें 10 रुपए कम हो जाएंगी। बैठक में खाद्य तेल बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ उपभोक्ताओं की बढ़ती शिकायत पे भी चर्चा हुई। वहीं सुधांशु पांडे ने कहा कि कुछ कंपनियां खाद्य तेल 15 डिग्री तापमान पर पैक करती हैं। इस तापमान पर तेल फैलता है और उसका वजन कम होता है। वहीं पिछले महीने कई खाद्य तेल कंपनियों ने कीमतों में 10 से 15 रुपए प्रति लीटर की कटौती की थी, लेकिन अभी घटे हुए दाम वाले तेल खुदरा दुकानदारों तक नहीं पहुंचे। वहीं खुदरा बाजार में इसका असर दिखने में कुछ समय लगेगा। भारत अपनी खाद्य तेल जरूरत का 60% आयात करता है। इस साल रूस यूक्रेन युद्ध के कारण खाद्य तेल कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया है, क्योंकि वैश्विक खाद्य तेल की जरूरतों का बड़ा हिस्सा दोनों देश निर्यात करते हैं। वहीं इंडोनेशिया 28 अप्रैल को निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था, इससे देश में तेजी से दाम भी बढ़े। वहीं कारोबारियों का कहना है कि जल्द खाद्य तेल की कीमतें 125 रुपए प्रति लीटर तक हो जाएंगी। उनका कहना है कि खाद्य तेल के सस्ता होने से इससे बनने वाले मिक्सचर, बिस्किट, मिठाई, पापड़, साबुन आदि की कीमतें भी घटेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। मंदी